नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, जिससे दोस्तों सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, लोहारू, रिंगस, जयपुर के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जयपुर से सिक्कर के बीच चलने वाली डेमू पैसेंजर ट्रेन का, वाया झुंझुनू के रास्ते लोहारू तक विस्तार होने वाला है। दोस्तों यह विस्तार संभावित है 1 अक्टूबर से हो सकता है। दोस्तों यह ट्रेन पहले जयपुर से सिक्कर के बीच चलती थी, परंतु दोस्तों हाल ही में इस ट्रेन का सिक्कर से लोहारू के बीच विस्तार किया जाएगा। दोस्तों इस ट्रेन का टाइम टेबल भी आ चुका है तथा दोस्तों इस ट्रेन का रेलवे द्वारा फाइनल निर्णय आना बाकी है तथा दोस्तों हाल ही में चर्चा हो रही है कि इस ट्रेन को शायद 1 अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है, जो कि अभी रेलवे के द्वारा कन्फर्म नहीं किया गया है। दोस्तों यह ट्रेन जयपुर से सुबह 9:50 पे रवाना होकर दोपहर के 12:40 पे सिक्कर पहुंचेगी। दोस्तों इसके बाद यह ट्रेन सिक्कर से रवाना होकर दोपहर के 2:04 पे झुंझुनू पहुंचेगी। दोस्तों वहां से यह ट्रेन रतन शहर, चिड़ावा, सूरजगढ़ होते हुए दोपहर के 3:40 पे लोहारू जंक्शन पहुंचेगी। दोस्तों वापसी में यह ट्रेन लोहारू से दोपहर के 11:25 पे रवाना होने के बाद 12:28 पे झुंझुनू पहुंचेगी। दोस्तों 12:30 पे झुंझुनू से रवाना होकर 1:50 पे सिक्कर पहुंचेगी तथा दोस्तों 10 मिनट के ठहराव के बाद 2 बजे सिक्कर से रवाना होकर शाम को 5:05 पे जयपुर पहुंचेगी। तथा दोस्तों यह एक डेमू टाइप की पैसेंजर ट्रेन होगी। दोस्तों यह ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएगी। दोस्तों इस ट्रेन के शुरू होने से झुंझुनू, लोहारू, चिड़ावा, नवलगढ़, सिक्कर, रिंगस के लोगों को जयपुर के लिए एक नियमित ट्रेन मिल जाएगी। तथा दोस्तों यह एक पैसेंजर टाइप की ट्रेन है, जिसकी टिकट हम हैंड टू हैंड रेलवे स्टेशन से भी ले सकेंगे। तथा दोस्तों इसके साथ साथ यह एक बड़ी खुशखबरी है कि इस ट्रेन का रेक अजमेर जयपुर डेमू पैसेंजर ट्रेन के साथ शेयर होता है। दोस्तों यह ट्रेन जयपुर पहुंचने के बाद अजमेर के लिए भी रवाना होती है, यानी कि दोस्तों झुंझुनू से डायरेक्ट अजमेर की टिकट लेकर यात्री इस ट्रेन में अजमेर तक सफर कर सकते हैं। तथा दोस्तों इसके साथ साथ सिक्कर से लोहारू के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रेवाड़ी तक विस्तार किया जा सकता है। दोस्तों इन दोनों ट्रेनों का विस्तार अक्टूबर में किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।